जय माता दी। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आया हूँ संगरिया। संगरिया में कहते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा काली माता का मंदिर है, वहाँ पे आया हूँ मैं। कुछ लोगों से मिलता हूँ, बातचीत करते हैं, पूछते हैं उनसे कि क्या रियल में चमत्कार है, क्या है। हाँ जी भैया, कहाँ से आप? संगरिया से हूँ। नाम क्या आपका? धीरेज जैन नाम है। हाँ जी, संगरिया डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ से, राजस्थान से हूँ। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे भैरव जी का काली माता का जो मंदिर है, 22 मंजिला मंदिर है। 22 मंजिला एशिया का सबसे बड़ा मंदिर है। अच्छा जी। और यहाँ से करीब मेरा जो जन्म है 65 का है। हाँ जी। 71 में हम यहाँ आ गए थे। उससे पहले ये भैरव जी की मूर्ति स्टार्टिंग में आई थी। अच्छा जी। उसके बाद ये काली माता का मंदिर बना है। और ये शीतलाल जी महाराज यहाँ पे। अच्छा जी, शीतलाल जी। और यहाँ पे मेला लगता है कोई? यहाँ पे मेला लगता है, मेला साल में एक दिन मनाते हैं। एक दिन मनाते हैं। हाँ जी। और सर यहाँ पे सुविधा क्या है, जैसे कोई बंदा आना चाहे कैसे आएगा, लोकेशन क्या है? यहाँ से जैसे हनुमानगढ़ से 30 किलोमीटर संगरिया, डबवाले से 30 किलोमीटर, हरियाणा और पंजाब की ये बॉर्डर है जो संगरिया है। हरियाणा सर, ये काली माता जी के जो अंदर है, जो बना रखा है काली माता जी का रेस्ट करने का, उसमें क्या, वो उसका क्या चमत्कार? उसका चमत्कार ये है, जैसे माता जी का सेज लगा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, माता जी का सेज लगा हुआ है। हाँ हाँ। इसके जो पीछे आगे माता जी की मूर्ति है, पीछे माता का सेज लगा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। शाम को शयन कक्ष को साफ सुथरा और अच्छी तरह चंद्र बिछा के सारा सजा के, रात को पानी के लोटा भर के सब उसको जल रख के और शाम को जाते हैं। तो सुबह अगर आते हैं तो पानी भी कम होता है और जो सेज है माता का वो करवट लिए हुए चैन के चद्दर जैसे अपने रात को सोते हैं करवट लेते हैं, वैसे करवट लिए हुए चद्दर द्वारे उनको साफ सुथरी कर द्वारे से लगाना पड़ता है। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सौरभ है जी। आप कहाँ से? संगरिया लोकल से हैं? लोकल। सर इधर का जो काली माता का मंदिर है, आप कब से आ रहे हैं, कितने सालों से आ रहे हैं? मेरा जन्म जी 1997 को हुआ है और मैं लगभग 26 साल का हूँ। मैं जब से पैदा हुआ था 5-7 साल बाद इधर खेलने आते थे और हम इधर माता का मंदिर देख रहे हैं। और मेरे कुछ ही 5-7 साल बाद, मतलब 10-12 साल पहले ये दोबारा रेनोवेट हुआ था और ये 22 मंजिला मंदिर बना है, जो एशिया का सबसे भव्य मंदिर और सबसे बड़ा स्मारक वाला मंदिर है। हाँ, नाम क्या बताते सर? नाम सौरभ है जी। सौरभ भैया, मेरे को ये बताइए कि जैसे अभी इस माता जी के मंदिर आना पड़े तो स्टेशन से कितनी दूर पड़ता है, ये कौन सी जगह है? स्टेशन से आधा किलोमीटर भी नहीं है जी, और आप वॉकिंग जैसे डिस्टेंस पे आ सकते हो, पैदल आ सकते हो बिल्कुल। और बाकी वहाँ पे ऑटो, क्या नाम से फेमस है ये मंदिर? काली माता का मंदिर। काली माता के मंदिर बोलेंगे तो यहाँ पे कोई भी छोड़ देगा बिल्कुल। और ऑटो वाला कितने रुपए चार्ज लेगा? 20 रुपए लेगा। 20 रुपए लेगा यहाँ छोड़ने के ना। हाँ, और यहाँ पे रुकने की व्यवस्था है रात को, जैसे कोई बंदा बाहर? बिल्कुल बिल्कुल, सामने मंदिर के सामने ये धर्मशाला है। धर्मशाला है बिल्कुल, धर्मशाला है, धर्मशाला है। और यहाँ पे रूम वगैरह अवेलेबल हो सकते हैं, कोई बंदा आके चाहे रुकना चाहे तो उसके लिए सर्वोत्तम फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है। सर मैं पहली बार आया हूँ इस मंदिर में, मुझे तो बहुत सॉलिड लगा क्योंकि मैं पूरे इंडिया के मंदिर घूमे और मैंने काली माता जी का मेन मंदिर वहाँ पे भी घूमा है कलकत्ता में, वो भी अच्छा है। और मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा मंदिर, और कहते हैं बहुत पैसा लगा है इस मंदिर। बहुत जी, बहुत जी। और बहुत यहाँ का संगरिया, मेरे को किसी ने बताया भी था कि लोगों ने कि संगरिया का मंदिर बड़ा फेमस है, आपको वहाँ जाना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको ऑडिशन लिया। मैंने कहा कि भैया मेरे को लगे यहाँ का ही कि या कहीं बाहर से, यहाँ से बार बार से भी आते हैं ना लोग, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे को ऑडिशन लेना चाहिए, जैसे मैंने जैन साहब से भी लिया। हाँ जी सर, एक इनकी खासियत और है जी, इस मंदिर में जो घंटे आपने कहीं दुनिया में नहीं देखे होंगे, एक क्विंटल 1.5 क्विंटल का घंटा जो इस मंदिर में लगा हुआ है वो कहीं नहीं लगा हुआ। अच्छा जी। वो 150 से 200 करीब घंटे लगे हुए हैं। और यहाँ पे जो भैरू जी की प्रतिमा है, सौरभ भैया आप भी बताएं हाँ जी, कि ये कितने फुट है अंदाजन? अंदाजन अपने पूरा नाप 6 फुट की है। 6 फुट की, बड़े शानदार भैरू जी की प्रतिमा। साक्षात है, साक्षात, साक्षात है जी। अच्छा जी। और भैरू जी का नाम क्या है यहाँ के? शीतलाल महाराज। ये क्या बताते हैं यहाँ पे? यहाँ बताते नहीं, ये मोनी बाबा है, मोनी बाबा के नाम से मशहूर है। मोनी बाबा के नाम, इन्होंने मौन व्रत किया हुआ है, बोलते नहीं है। अच्छा अच्छा जी। और जो भी चढ़ावा बनाते हैं तो संगरिया में मंडी से नहीं, कभी पैसे लिए उन्होंने। अच्छा अच्छा, सब पैसे अपने आप ही कहीं से आते हैं। सर इस मंदिर की आस्था क्या है, क्या चमत्कार है इस मंदिर का? इस मंदिर में भैरव जी की मूर्ति है, जो काली माता की मूर्ति है, यहाँ पे नारियल बनते हैं, जो यहाँ बैठ के आप प्रार्थी मार के जो मनोकामना बोलोगे वो संपूर्ण होती है। संपूर्ण होती है। हाँ, किसी का बच्चा नहीं है बच्चा होता है, किसी को कोई काम नहीं है काम होता है, धन संपदा कोई भी विपदा है वो विपदा अपने मन में रख के भैरव बाबा के मंदिर के मूर्ति। और ये काली माता का दिन कौन सा होता है? वैसे हफ्ते में एक दिन होता है, जैसे शनिवार होता है, पता नहीं कोई बार। इतवार भैरव जी का है, भैरव जी का इतवार है, इतवार भैरव जी का है, भैरव जी का इतवार है। और यहां पे भव्य मेला लगता है। अच्छा जी। तो कब लगता है मेला? साल में एक दिन नवरात्रों में लगता होगा काली माता का। जय माता जी की। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, आपने बहुत अच्छी राय दी, तय दिल से धन्यवाद। अगर कोई बंदा संगरिया का हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि यह मंदिर आपने घूमा है, आपको क्या आस्था है और आपको क्या चमत्कार हुआ है। और अगर कोई बंदा संगरिया से बाहर का है तो वो जरूर काली माता जी के मंदिर जाके आना। जय माता जी की। जय श्री कृष्णा। राधे।